नमस्कार, जायका विद संगी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की फेमस डिश फाफड़ा विद बेसन कड़ी एंड पपीता संभारो। गुजरात में दशहरे के दिन फाफड़ा की ये डिश और जलेबी को एंजॉय की जाती है। ये इसे बनाना शुरू करते हैं। फाफड़ा बनाने के लिए हम 2 कप बेसन ले लेंगे मिक्सिंग बाउल में, स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन जिसे हम मसल कर डाल देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून तेल, इसे हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। इसमें हम 1/2 टेबलस्पून तेल डालकर इसे मसल लेंगे। हथेली पर तेल लगाकर इसे हम हाथ में लेके इसे हाथों में मसल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हाथ में अब ये चिपक नहीं रहा है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, छोटे नींबू के साइज के जितना। अब हम यहाँ पे लकड़े का चकला या कोई भी लकड़े का कटिंग बोर्ड यहाँ पे हम ले लेंगे और लुई को हम लंबगोल शेप में ले लेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ पे हमें हथेली का यूज़ करना है, ये वाला पार्ट, और उसे ऊपर की तरफ पुश करना है। ऐसे हल्का सा हम दबा देंगे और ऊपर की तरफ हम पुश कर देंगे हथेली की सहायता से। अब हम एक छुरी की सहायता से इसे निकाल लेंगे नीचे की ओर, इसे रखकर उसे सीधा खींच लेना है। आप देख सकते हैं, बस हम इसे हम तलने के लिए डाल देंगे। और एक बार आपको मैं बता देती हूँ, लोई को हम यहाँ पे रख देंगे और हथेली की सहायता से हम इसे दबा लेंगे। यहाँ नीचे हम पहले दबा लेंगे और फिर ऊपर की तरफ उसे पुश करते हुए खींच लेंगे। इसे हम नाइफ की सहायता से खींच लेंगे, निकाल लेंगे। इसे हम तेल में डाल देंगे, 2 ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और ये जो दूसरे 2 है उसे हम पलट देंगे। ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। बेसन की कढ़ी या बेसन की चटनी बनाने के लिए हम 300 ml पानी ले लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन हमने गरम करने रख दिया है, उसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च, पानी में जो हमने बेसन मिलाया था वो हम मिक्स कर देंगे। इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, इसे हम मिक्स कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। इसमें एक उबाल आ गया है, हम इसमें अब 1 टेबलस्पून दही मिला लेंगे। मेरे पास यहाँ पे धनिया पुदीना की चटनी है, वो 3 टेबलस्पून मिला लेंगे।
इसमें फुदीना का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और एक टेबलस्पून शक्कर में इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये गाढ़े होने तक हम कुक कर लेंगे। बाज़ार में फुदीना फ्लेवर वाली बेसन की चटनी बहुत ही रेयर मिलती है, ये आप ज़रूर से ट्राई करके देखिए। ये वाली चटनी फाफड़े के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। पपीता संभारा बनाने के लिए हमें चाहिए एक पपीता, जिसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, एक टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, स्वादानुसार नमक। अब इसमें हम राई का छौंका लगा लेंगे, जिसमें मैंने कड़ी पत्ता और दो हरी मिर्च भी डाल दी है, और तेल यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून यूज़ किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हम कच्चा ही रखेंगे। संभारो भी तैयार है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो हमारा नाश्ता तैयार है, फाफड़ा, फुदीना फ्लेवर वाली बेसन की कढ़ी या चटनी, पपीता का संभारा, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को फ्राई करके ले लिया है, उस पर हम तो नमक स्प्रिंकल कर लेंगे। खाने के लिए ये हमारी डिश तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, टिल देन बाय।